नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। रीवा ब्योहारी शहडोल मार्ग NH 57 पर स्थित रोहनिया टोला प्लाजा एवं टेटका चेक पोस्ट पर उपभोक्ता शुल्क टोला भरने की रकम संभागीय कार्यालय मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम शहडोल के द्वारा सुनिश्चित की गई है। इनके द्वारा ये भी कहा गया कि उक्त स्थानों में टोल की कीमतें कार के लिए 50 रुपये होंगी, हल्के वाणिज्यिक यान की 125 रुपये होंगी, बस की 255 रुपये, ट्रकों की 310 रुपये एवं मल्टी एक्सल ट्रैंक की 610 रुपये टोल दरें प्रति यात्रा के आधार पर 31 अगस्त 2022 तक प्रभावी होगा तथा अनुबंध अनुसार वाहनों पर महीने के पास के लिए 145 रुपये दिए जाएंगे। अब जैसे ही ये निर्णय लेने के शीघ्र बाद जनता द्वारा इसका विरोध किया गया, क्योंकि लोगों का कहना है कि सड़कों की हालत इतनी बेकार है कि हर जगह गड्ढे ही गड्ढे दिखाई पड़ते हैं, आए दिन हादसों का होना निश्चित है और पेंचवर्क करवा के अधिकारीजन खाना पूर्ति कर रहे हैं, और ऐसे हालातों के बावजूद टैक्स वसूलने की रणनीति प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है जिसका बिल्कुल सहयोग नहीं किया जाएगा। लोगों के द्वारा आगे ये कहा गया कि जब तक सड़कों का काम सही ढंग से पूरा नहीं करवा दिया जाता तब तक टैक्स लोगों से लेना बिल्कुल सही नहीं है, क्यों, और ये बात एकदम सही है कि यदि सड़कें ही सही नहीं हैं, सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है तो क्यों, आखिरकार क्यों कोई टैक्स भरेगा, वो भी इतनी हाई। लोगों को इस मार्ग से कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है जैसे वो यहाँ से गुजरते हैं, तो इस बीच मेंटेनेंस का काम छोड़ प्रशासन ने टैक्स वसूलने का फरमान जारी कर दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। उम्मीद यही होगी कि लोगों की बात मानी जाए और प्रशासन असर ध्यान दे। धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।